दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क को भले ही भारतीय रेलवे अकाउंट सेवा की एक अफसर ने सुशासन और वित्तीय पारदर्शिता की समझ से संवारा हो, लेकिन जिंदगी की पटरी पर चल रही अपनी ही गाड़ी की उन्होंने अनदेखी की और अंजाम ये हुआ कि एक दिन स्टेज 3 कैंसर की सुपरफास्ट बोगी उनके जंक्शन पर आकर ठहर गई। उस वक्त नजर आई लाल झंडी ने थमने का इशारा किया, मगर बंद फाटक को लांघने का इरादा और उस वक्त बच्चों से मुस्कुराते रहने का और लौटने का वादा करते हुए वो सवार हुई नए सफर के लिए। जीने की हसरत के साथ अब कैंसर का हमला सह रही बड़ी आबादी के लिए बेहतर जिंदगी की सौगात लिए घूम रही रूबी आहलूवालिया अपनी रूह का पसंदीदा काम कर रही हैं, अपनी जैसे और लोगों को संजीवनी सौंपने का काम अपने तरीके से अपने बूते से। कभी कभी जिंदगी अपनी अहमियत इस तरह से बताती है कि आपको उस छोर पे खड़ा कर देती है जहाँ हर मोड़ आखिरी नजर आता है, लेकिन फिर वही जिंदगी एक मोहलत देती है जिंदगी को और समझने की, जिंदगी के मायने को और बेहतर जानने की। कैंसर से जब आप जूझते हैं तो आपको जिंदगी तबाही नजर आती है, लेकिन फिर वही वजह बनती है जीने की और दूसरों को और जिंदगी थमाने की। रूबी जी हमारी सोल्जर, उनसे कुछ मुलाकात करते हैं और बात करते हैं आपके साथ भी जो कुछ गुजरा। और मुझे मालूम है रूबी की, मेरी भी एक दोस्त है, और जब पहली बार ये खबर आती है कि ये रिपोर्ट ये कह रही है तो जिंदगी एकदम से एक पल में बदल जाती है और तब आप इतने बेबस होते हैं और इतना खालीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है जिंदगी फिसल गई है हाथ से। क्या हुआ, कैसे आपने कैसे सामना किया और कब ये खबर आई? एक्चुअली बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो 2009 में मैं आई वॉज पोस्टेड इन बॉम्बे। तो लगता था सब कुछ जैसे बिल्कुल कंट्रोल में है, यू आर वर्किंग, यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, एंड आई वॉज बिजी इन ऑल दैट। और फिर सडनली आई फेल्ट अ लंप इन माई बॉडी, एंड तो एक बार के लिए ध्यान भी नहीं आया उस टाइम भी कि ऐसा कुछ हो सकता। बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे जो डायरेक्टर थे टाटा हॉस्पिटल के उस टाइम, तो उनको बस बताया कि ऐसे है, तो उन्होंने कहा नहीं एकदम आ जाओ। उसके बावजूद अर्जेंसी नहीं समझ आई, वहाँ पे गई मैं और उन्होंने मैमोग्राफी हुई, FNAC हुई, और उसमें वो मैलिग्नेंट नहीं आ रहा था। अच्छा, मैलिग्नेंट नहीं आ रहा था। बट डॉक्टर राजीव सरीन बॉम्बे में, उन्होंने कहा जैसी भी है जो भी है अननेसेसरी है, इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद भी देखिए मैंने निकालने के लिए 1 महीने का टाइम लिया क्योंकि मुझे लगा था मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है। तो मैं वो करके दिस इज हाउ, क्योंकि हम खुद अपने आप को कभी भी प्राथमिकता में नहीं रखते। एब्सोल्युटली 1 महीने बाद उसको मैंने जो सर्जरी कराई और जब वो लंप इतना बड़ा निकला तो कॉनिकल कैंसर था, द होल ऑफ इट वाज कैंसरस एक्चुअली। सो आई रिमेम्बर आई सैट इन द कार एंड देन आई ओपन द रिपोर्ट एंड आई सॉ दैट इट इज मैलिग्नेंट, इट सेड इट इज कार्सिनोमा। तब भी मेडिकल की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, सो आई गेव अ कॉल टू डॉक्टर सरीन एंड आई गॉट टू नो। यस, सो फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट हाउ इट कैन हैपन टू मी। आई एक्सरसाइज, आई ईट वेल, आई हैड माई चिल्ड्रन एट द राइट टाइम, सो या ऑल दोज थिंग्स वर देयर। एंड देन ये समझ में थोड़ा जल्दी आ गया था कि है, इसको एक्सेप्ट करने में ही वही एक तरीका है, उसके बिना नहीं कर पाऊंगी। उस वक्त जीवन कोई और आपको ऑप्शन भी नहीं देता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जीना ही होता है एकदम। और जब आप आसपास के लोग देखते हैं, मेरे बच्चे उस टाइम छोटे थे, उनकी शक्ल आप देखते हैं, तो एक ये फीलिंग आती है कि आई कैन नॉट अलाउ माय फैमिली टू शटर, टू ब्रेक अप, कि मैं तो झेल लूंगी, ये कैसे झेलेंगे, ये कैसे झेलेंगे, बिकॉज इफ दे ब्रेक, कैंसर तो ठीक हो जाएगा शायद, पर इनको नहीं वापस ला पाऊंगी। सो दैट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग, द मीनिंग ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली,
Absolutely. So that is how my journey of cancer started. And जो surgery हुई और surgeries एक के बाद एक तीन चार बहुत तकलीफ भी होती है वो surgery. It was extremely painful. लगता था ये वाली last है. और फिर मैं अनिल की शक्ल देखती रहती थी जब तीन दिन बाद report के साथ आते थे. And he would tell me कि नहीं अभी और आपके positive margins हैं. So they have to take out more. They have to take out more. So that is how it happened. The first chemotherapy which happened was extremely painful. I will not say that I was not scared. I was. And Ruby, एक और मुझे सवाल हमेशा ज़हन में आता है कि उस वक्त अंदर से क्या ताकत होती है? क्या उस वक्त आप सोच पाते हैं कि ज़िंदगी अभी और जीनी है? या उस वक्त आप हार मानने लगते हैं कहीं भीतर ही भीतर कि क्योंकि ख़त्म होने के कगार पर खड़ी है ज़िंदगी? कैसा मायने होते हैं उस वक्त? घबराहट होती है, घबराहट जरूर होती है और ऐसा लगता है कि आप क्लिफ की बिल्कुल एज पे खड़े हैं. लेकिन एक और चीज़ होती है, व्हेन द पेन इज सो मच, द पेन इज सो मच, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली टू गेट कनेक्टेड फ्रॉम योर इन विद योर इनर कोर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने लिए वक्त होता है शायद उस वक्त और ज्यादा सोचने का समझने का. यू आर सो राइट. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई वर्किंग करियर ऑफ 15 ईयर्स कि मैंने छुट्टी ली अपने लिए छुट्टी ली. और ये एक फीलिंग कि सुबह में उठ के मेरे से कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. दिस वाज एक्सट्रीमली लिबरेटिंग एंड आई रियली एंजॉयड दिस फीलिंग कि नाउ नो लॉन्गर एनीबडी इज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ मी. So this was very liberating for me. So it became a kind of me time for me. I used to paint pehle and I started painting again. So after every chemotherapy, I used to paint a canvas in which I used to paint my state of mind there. जब आप उस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं और अपनी तकलीफ से उबरने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब वो ख्याल कहाँ से आता है कि अब मैंने तो झेला जो झेला, लेकिन कोई और ना झेले? एक्चुअली मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता पाऊँगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ और जो मुझे अटेंशन वहाँ पे मिलती है, आई एम गोइंग थ्रू दिस जर्नी विद ऑल माय रिसोर्सेस. और वहाँ पे जो इतने सारे लोग टाटा हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ सिमिलर जर्नी विदाउट एनी ऑफ द रिसोर्सेज दैट आई हैव. So this came to I want to do something, I want to work with them. And I would tell this to my doctor and my doctor would say ki stage 3 mein ho, zinda bach jaogi to kuch kar lena, you know, that is what he told me. And yes, but I kept preparing myself ki mujhe zinda rehna hi hai because itna kuch hai life mein karne ke liye. और छूट जाता है एकदम से तो आप पकड़ना चाहते हो फिर से. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो आई वांट टू लिव एंड आई वांट टू लिव एट अ हायर प्लेटफॉर्म देन व्हाट आई वाज लिविंग एट. या दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. वो कितना वक्त लगा ये तय करने में कि अब एक नई शुरुआत, जिंदगी अब बदल गई है, एक मायने मिल गए हैं जिंदगी को? या सो 2009 में डिटेक्ट हुआ था. 2012 में मुझे लगा कि आई कैन जॉइन माय वर्क बैक. तो जब मैं पहले दिन जाके चेयर पे बैठी तो एक बहुत खालीपन का एक एहसास सा हुआ और मुझे लगा कि नहीं, आई एम अलाइव बाय ग्रेस ऑफ गॉड, देन आई नीड टू डू मोर. और जो मैं इतने टाइम से सोच रही हूँ, लेट मी डू इट टुडे. रूबी ने जो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बयां किया, उसी हिस्से को अब हम आगे के जो दौर है उनका, जिसमें उन्होंने वो निर्णय लिया, जब वो तय किया कि अब औरों के लिए जीना सीखना है, औरों के लिए कुछ करना है जो शायद मुझसे कहीं इस मायने में थोड़े से कमतर हैं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास तौर तरीके नहीं हैं, तो उनकी मदद मैं कैसे करूँ? एक अंतराल के बाद रूबी से फिर बात करते हैं.